कोरोना संकट काल के दौरान लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाईं, मानसिक रूप से परेशान हुए, कईयों का मनोबल टूटा। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जिसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। न केवल एक बड़ी नौकरी चली गई, बल्कि उस महिला ने हार नहीं मानी। उस महिला ने तय किया कि न वो खुद बल्कि अपने साथ साथ कईयों की जिंदगी को रोशन करेगी। हम दुबई में हैं और दुबई में हम आपको एक ऐसे इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर से मिलाएंगे जो खुद के साथ साथ कईयों की जिंदगी को अपने ज्ञान के माध्यम से रोशन कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। हमारे साथ ममता सचदेवा हैं। ममता सचदेवा इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं और आपको बता दें कि एक वक्त एतिहाद एयरलाइंस में ये एक बड़े पद पर काम कर रही थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी चली गई। मूल रूप से ये पंजाब के मोगा की रहने वाली हैं। बहुत छोटे से शहर से इन्होंने ये सफ़र तय किया। पिछले 17 साल से ये दुबई में रहती हैं और आपको बता दें कि नौकरी जाने के बाद इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, बल्कि एक नई शुरुआत की, आपदा को अवसर में बदल दिया। नई शुरुआत के जरिए आज इनके लगभग 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं जो इनकी हर बात को सुनते हैं, हर वीडियो को देखते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। थैंक यू सो मच। हम दुबई में हैं और दुबई में सोचा कि आपसे मुलाकात हो, क्योंकि आप दुबई में रहकर इतने अच्छे वीडियोस बनाती हैं और बहुत युवाओं को प्रेरणा देती हैं। सबसे पहले तो ये कि अपने करियर के बारे में बताएं, मोगा पंजाब से निकलकर आपने सफ़र यहाँ तक पहुँचे कैसे? देखिए, सफ़र जो होता है ना, जब ठान ले इंसान तो वो कहीं भी पहुँच सकता है ज़िंदगी में। तो बस कुछ करने का जज्बा होना चाहिए ज़िंदगी में। वो जज्बा, वो लगन मेरे अंदर थी, वही मुझे खींच के यहाँ तक ले आई। बिल्कुल, आपने एतिहाद एयरलाइंस में करियर शुरू किया, कैसा था वो करियर और कहाँ सेटबैक लगा आपको? जी, जब मैंने शुरुआत की थी, जहाँ से मैं उठ के आती हूँ वहाँ की कोई आम लड़की भी एक ख्वाब में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि ये वो इंटरनेशनल एयरलाइन में कभी कैबिन मैनेजर बनेगी, सेफ्टी ट्रेनर बनेगी। मैंने बहुत मुकाम ऊपर तक का हासिल किया, जबकि मैंने पंजाबी और हिंदी स्कूल में ही सिर्फ पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ ऊपर तक अपनी इस दूरी को तय करूँ, बड़ी सफलता हासिल करूँ ज़िंदगी में। और नेचुरली जब सफलता हाथ से आपके छूट जाती है और वो भी 2 दिन पहले आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी जा रही है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप बेस पे भी नहीं हो। हम उस वक्त इंडिया में ही थे, लास्ट ईयर हम वहाँ स्टक हो गए थे क्योंकि एयरपोर्ट बंद था, तो तभी चलते मेरी जॉब गई, जबकि मैं अपनी कंपनी को प्यार से बाय भी नहीं बोल पाई। थोड़ा हमें वो जून 2020 के बारे में बताएं, जब आपको कहा गया कि ये आपके कंपनी में आखिरी दिन है और अब आपको हमारे साथ आपका आगे का सफ़र नहीं होगा, थोड़ा उस दौर के बारे में बताएं। कोविड का टाइम, आप लोग भारत में फंसे हुए थे, आपका दफ्तर यहाँ अबू धाबी में और आपकी नौकरी चली गई। जी, हुआ यूं था कि हम इंडिया छुट्टियां मनाने गए थे और छुट्टियां मनाने गए, एयरपोर्ट वहां पे बंद हो गया और मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार हो गए थे वहां पे। हमें वहां पे सुविधा नहीं मिली हॉस्पिटल में कोई भी, तो हमने अपना इलाज जैसे तैसे घर पे ही करना शुरू कर दिया। बीच में ही मुझे कंपनी का एक दिन ईमेल आता है कि अगर 2 दिन के बाद आपको ईमेल आता है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने आप को समझें कि आपकी नौकरी चली गई है। 2 दिन बहुत ही बड़े थे मेरे लिए ये जानने के लिए कि मेरी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, लेकिन आप दूर बैठे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो 2 दिन बाद मुझे 1 जून को मुझे ईमेल आ गया था कि आपकी नौकरी नहीं रही है। तो मुझे उस वक्त ऐसे लगा कि मेरी आत्मा को किसी ने मेरे शरीर से निकाल लिया है, क्योंकि मेरे लिए मेरी ये जॉब जो थी मेरी ज़िंदगी थी। तो इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी को जी रही थी अच्छे से, लेकिन मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी रुक गई उस वक्त। बिल्कुल, और इसके बाद ज़िंदगी रुकी नहीं, इसके बाद एक नया मोड़ आया और कुछ नया करने की ठान ली, और नया करने की ठानने की नतीजा ही आप ये इन 2 तस्वीरों से लगा सकते हैं। यूट्यूब पर यहाँ देखिए, सिल्वर बटन, गोल्ड बटन मिल चुका है और बाकी यादें हैं। अब ममता जी, हमें ज़रा ये इनके बारे में बताइए, ये सफ़र कैसे शुरू किया आपने और कब से आपके मन में आया कि ऐसे ब्लॉग वीडियोस बनाओ, और पर्पस क्या था आपका वीडियो बनाने का? जी, वीडियोस मैंने बनानी शुरू की थी आज से करीबन 4.5 से 5 साल पहले, जब मैं इन जॉब थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जहां से मैंने सफ़र तय करके अपना सफ़र, अपने आप को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया है, हर लड़की वो डिज़र्व करती है, मेरे देश की या मेरी ज़बान वाली कहीं की भी लड़की हो वो डिज़र्व करती है, तो मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बनूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग एविएशन और कैबिन क्रू जॉब के बारे में बहुत गलत सोचते हैं, उनकी धारणा बहुत गलत होती है, तो मैं उन लोगों को एक लेसन देना चाहती थी कि एक कैबिन क्रू एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक वाइफ भी
ही है और वो जिंदगी में खुद के लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकती है। तो उस जज्बे से मैंने ये चैनल शुरू किया कि मैं दूसरों को बताऊं कि कैबिन क्रू कैसे बनना है, आगे कैसे बढ़ना है और इस जॉब में कैसे आना है। तो बेसिकली सारी मैंने एयरपोर्ट और कैबिन क्रू और होटल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास होती थी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने लोगों के साथ अपने चैनल के जरिए शेयर करना शुरू की। और आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल टेक्निकल नहीं थी, मुझे वीडियो बना के पोस्ट करना भी नहीं आता था। मैं अपने फोन को एक तार के साथ टांग देती थी दीवार के ऊपर और इस तरह से मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती थी। इतनी भी समझ नहीं थी कि एक ट्राइपॉड की जरूरत होती है। तो लेकिन उन वीडियोस को भी लोगों ने इतना प्यार दिया और उनसे उनको मदद मिली और हजारों लोगों को, आई थिंक उससे ज्यादा लोगों को भी नौकरियां मिली हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि पता नहीं था कैसे करना है, लेकिन एक चीज था कि करना है और उसमें अपने आप को साबित करना है। ममता ने वो कर दिखाया और आज कई लड़कियों के लिए वो मिसाल बनी हुई है, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आती हैं, पंजाब के जिस शहर से आती हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, पंजाबी मीडियम में पढ़ाई की, वहाँ से ये सफ़र तय किया और आज मुकाम यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो लड़कियाँ इस इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहती हैं, या ये लड़कियाँ छोटे छोटे देश के गाँव से निकल कर उड़ान भरना चाहती हैं।